अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही खैर खैरियत से रह रहे होंगे अपनी अपनी फैमिली में। और मेरी यही दुआ है अल्लाह से कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहो और अपने अपने फैमिली में खुश रहो। तो फ्रेंड, मैंने आपको जो पिछला वीडियो डाला था तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए उसके बारे में। बहुत अच्छा बताया कि आपने, बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने, कमेंट करके कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को पूरा और कंप्लीट देखें। तो फ्रेंड, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है नया जायका। आप उस चैनल पर भी जाएं और वहाँ की भी रेसिपी देखें। मैंने अभी कल एक रेसिपी मैंने उस चैनल पर डाली हुई है, वो आप देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप इसी तरह से हमेशा देखें और मेरे चैनल अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मैं और भी अच्छे अच्छे से लाने की ब्लॉग कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड, बस अपने जो भी मैं कंटेंट डालती हूँ आप लोग बहुत पसंद करते हो, काफ़ी प्यार दे रहे हो चैनल को, और मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को हमेशा प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। और मुझे बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब रोज़ लोग करते हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, फिर सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें, और आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लेकर आते रहूँगी। तो बस चलिए व्लॉग को कर देते। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठे। तो बच्चों को इस तरह से सैरी में बनाकर देना पड़ता है, तो इस तरह से सुबह की सैरी हमारी होती है। यहाँ पर मैंने पनीर भुर्जी भी बनाया हुआ है। तो ये सैरी के लिए सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा हमने पोहा भी बनाया है, तो बच्चों को खाने का था तो इसलिए मैंने पोहा भी बनाया है। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, चाय के बिना तो दिन अच्छा नहीं लगता है, तो सैरी में चाय भी बनानी पड़ती है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, क्योंकि कुरान शरीफ इस महीने ख़त्म करना होता है। यहाँ पर मेरा बेटा फजर की नमाज़ पढ़ रहा है। तो इस तरह से सुबह में उठकर सारी इबादत वगैरह करनी पड़ती है और पूरा दिन हमारा इबादत में ही जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इबादत करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ वड़े और शाम की आफ्तारी का वक्त हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 6:00 और मैं आफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ब्रेड सैंडविच भी बनाया हुआ है और यहाँ पर प्याज के पकौड़े। मालपुआ भी हमने बनाया है और मेरा मालपुआ नए जायके का वायरल वीडियो हो चुका है, काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया है मेरे मालपुए को। यहाँ पे मैंने सादा मालपुआ आपको बनाया हुआ है और उस चैनल पे मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी मालपुए की बनाई हुई है, लोगों ने बहुत 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 पसंद किया है और बहुत सारे लाइक भी लोगों ने किया है।
वायरल वीडियो मेरा हो चुका है मालपुए का। यहाँ पर मैं वाटरमेलन का जूस भी मैंने बनाया है, तरबूज का जूस, तो ये पीना बहुत अच्छा रहता है। और आफ्तारी हमारी सारी बन के तैयार हो चुकी है, तो ये देख सकते हैं मैंने आज क्या क्या बनाया हुआ है। रसना का शरबत भी बनाया है, आज हमने डिनर में बनाया हुआ है अंडे की बिरयानी, तो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया था, तो आज मैंने अंडे की बिरयानी भी बनाई हुई है। और ये मेरा थर्सडे व्लॉग है। अब यहाँ पर बच्चे रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1 से 2 मिनट बाकी हैं रोज़ा खुलने के लिए। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आपको मेरा ये व्लॉग लगा, कैसा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।